हेलो गेमर्स, व्हाट इज अप। मैं हूं अंशु और आज हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमॉन एक्स का पार्ट 6 है बॉयज। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो हम लोग एम्ब्रिट सिटी में भी, मेरे को अच्छे से याद नहीं नाम, आई गेस एम्ब्रिट सिटी ही था। यस, हम लोग एम्ब्रिट सिटी में आए थे। यहाँ पर हमको बोला गया था वो फॉसिल टाइप पोकेमॉन जो है उसको ढूंढना है बॉस। तो यस, वी आर गोना फाइंड दैट फॉसिल टाइप पोकेमॉन और करेंगे राइहॉर्न की सवारी। बिल्कुल सही। तो चलो भाई, ये चचा से बात कर लेते थोड़ा। ओह, आर यू गोइंग टू सर्च फॉर फॉसिल्स इन ग्लिटरिंग केव? यस आई एम। यू हैव टू राइड ऑन अ राइहॉर्न टू गेट देयर। इन दैट केस राइडिंग राइहॉर्न इज सो मच फन। यू कैन इवन प्रिटेंड दैट यू आर फेमस राइहॉर्न रेसर ग्रेस। इजंट राइहॉर्न रेसर ग्रेस आर मॉम ड्यूड? देख रहे तुम लोग, इससे बात करके देखते हैं। प्रेस ए बटन टू फाइंड अ वे ओवर द क्ले। द लिटिल डर्टी विल टीच यू हाउ। ओके, इससे भी बात कर लेते हैं। पोकेमॉन मूव्स डायरेक्ट अटैक। रॉकी हेलमेट। तो गाइज, जैसे तुम लोग देख सकते हो हमारा ब्रिक्सन 35 का हो चुका है। तो आज होपफुली हमको डेल्फोक्स मिल जाएगा। वाटर टल ऑलमोस्ट 35 है, 34 लेवल का है, मतलब अभी उसको दो लेवल और लगेंगे, उसके बाद हम उसको पकड़ाएंगे ब्लास्टोइस साइनाइट और मजा आएगा बॉस। लाइक लेजेंड भाई, वो फिर मेगा ब्लास्टोइस बन जाएगा। लेट्स गो। हेलो, अच्छा बी नहीं दबाने का गाइज। ये क्या हुआ? हेली क्या था ये? हीलियोप्टाइल। ओके, मेरे ख्याल से रॉक टाइप है तो इसके ऊपर ये तो काम नहीं करेगा फायर टाइप इतना अच्छे से। देखते हैं साइबीम। ये लेट्स गो भाई, वी आर ऑलमोस्ट देयर गाइज, वी आर ऑलमोस्ट देयर। आज हमको डेल्फोक्स मिल के रहेगा। आई एम गेटिंग अ फीलिंग मैन। केयर फॉर अ स्काई बैटल विद स्काई ट्रेनर। यस, मेरे पास है। अच्छा, मेरे पास फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन नहीं है यार। साइड लैब वॉस डस्क बॉल। डार्क टाइप पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए यूजफुल रहेगा। मैं तो भाई लेकिन किसी भी पोकेबॉल से किसी भी पोकेबॉल को पकड़ लेता हूँ। वो भाई नेट बॉल से हमने इसको पकड़ा था अपने एप्सोल को। गॉड भाई, ओनली लेजेंड्स कैन डू दैट मैन। चलो लौट लो। अरे यार, गलत जगह खड़ा कर दिया क्या? ये चाची क्या कर रही है? हाय हेल ट्रेनर, अलाउ मी टू रिस्टोर योर पोकेमॉन टू फुल हेल्थ। थैंक यू मैम। रुला दिया आपने, आंसू निकाल दिया मेरे। अरे यार, इसको हटाना पड़ेगा यार, इधर से हटाने का पड़ेगा। ऊपर नहीं चढ़ेगा? ऊपर चढ़ेगा मेरे साथ? चलेगा? नहीं चलेगा। ओके, इसको कोने में खड़ा करते हैं यहाँ पर, ताकि रास्ता ब्लॉक ना हो। पता चला आने जाने वाले मेरे को गाली दे रहे हैं। ओ साइंस वाला बंदा। इट इज़ रियली ईजी टू गेट लॉस्ट इन साइड हेयर के। जस्ट टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। गुड रेशन इन ऑल केयरलेस लाइक एंड यू विल नेवर फाइंड योर वे आउट। ओके, ये है क्या? ट्रेनर टिप्स, यू कैन इमीडिएटली वॉक आउटसाइड अ केव योर एस्केप रूफ। मेरे पे मैंने खरीदी नहीं है यार एस्केप रूफ। जी जी मैम, मैंने खरीदी नहीं है। ओह, कितना अच्छा लग रहा है डूड, इट्स ब्यूटीफुल। ओ क्या हम रोलर स्केटिंग भी कर सकते हैं केव के अंदर? नहीं कर सकते। एक ये वो भाई कंट्रोल देख लो कोई यार एक बार। ये क्या हुआ भाई साहब? लेकिन कितना अच्छा सा बना रखे ना। ओ मैचअप, आई एम गेट, लेट्स गेट इट मैन, लेट्स ग्रैब हिम बॉयज। मैचअप हम लोग पकड़ रहे बस। नहीं, हम लोग कोई वीक पोकेमॉन निकालेंगे। वीक कोई पोकेमॉन है नहीं मेरा, ठीक है। बट लाइक कोई पोकेमॉन जिसका अटैक पावर इतना खास ना हो, जो इसको ज़्यादा डैमेज भी ना कर पाए। हाँ, वाटर टल के पास टैकल है, हम लोग टैकल को यूज़ करते रहेंगे। इसका एचपी थोड़ा कम करेंगे, उसके बाद इसको बैक कर लेंगे। आउच। ओके, अच्छा ये रॉकी हेलमेट है माचो के पास। अच्छा नहीं, मेरे पास रॉकी हेलमेट था, उसको भी डैमेज लगा। ओके
भाई एक एक एचपी है वो बंदा, एक एचपी पता है तुमको, पोशन नहीं बॉस, पोके बॉल। चल यार ग्रेट बॉल यूज कर लेते हैं, पहली बारी में पकड़ लेंगे इजी लाइन। चलो यस लेट्स गो गाइस, मैचअप आ गया, इसको हम लोग मैचअप बनाएंगे बिल्कुल खतरनाक वाला बॉस। बहुत मस्त वो गेम है, लाइक लिटरली ब्रो। नॉट इन टू गिविंग निकनेम्स मैन, तुमको पता होना चाहिए। ओके ये एरिया खत्म, तो अब हम जाएंगे राइट में। ओके इजी इजी इजी, ज़्यादा तेज नहीं, उसने बोला था कि ज़्यादा तेज मत जाना। चलो लेफ्ट जाके देख लेते हैं एक बार। अच्छा कोने कोने में लाइक पोकेमोन्स हैं ऐसा। अच्छा ये तो गया फिर, अब जरूरत ही नहीं है, साई भी मारेंगे एक बारी में, डेड है बंदा। यार लेकिन ये 17 लेवल का है। लेट्स गो, ओ भाई गाइस टेलफॉक्स आ रहा है वॉइस, लाइक ऐसे ऐसे कर लूं मैं ऐसे। चलो देखते हैं बस। और ब्रेक्सन बन गया टेलफॉक्स, लेट्स गो गाइस। आखिरकार भाई हमारे स्टार्टर पोकेमोन इज एट मैक्स एवोल्यूशन नाउ। जी जी मैन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू आउट देयर बॉयज। ओ भाई मिस्टिक फायर, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स फॉरगेट डूड, मेरे ख्याल से बहुत पावरफुल। ओके 6500, और क्या ये दिस ऑल्सो लोअर द टारगेट स्पेशल अटैक स्टार्ट। ओके मैं सोच रहा हूँ साई बीम हटा दी जाए या फिर फ्लेम चार्ज, फ्लेम चार्ज नहीं हटाएंगे, लाइक फायर स्पिन अच्छा है लेकिन हटा रहे हैं हम लोग, क्योंकि फायर स्पिन का अटैक पावर इतना खास नहीं है बॉस। मिस्टिकल फायर, ओ भाई डेलोफॉक्स डेलोफॉक्स। अब हम लोग क्या करने वाले गाइस पता है क्या, लाइक डेलफॉक्स को नहीं यार एक फाइट लेते हैं डेलफॉक्स से, गेम के अंदर कैसा दिखता देखते हैं। घर यहाँ पे माचा बहुत सारे भाई, हद से ज़्यादा माचा ऑफ्स हैं यहाँ, लाइक सीरियसली। ओह लेकिन किसी को लगा इसने टोके टुर्री उसकी तरह का टोके पी की तरह। जी जी मैन साई भी मार दे बॉस, यार देख रहे हो गाइस लाइक लिटरली भाई बड़ा पोकेमोन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ है हमारे पास खतरनाक पोकेमोन। जी जी मैन, और अभी तो हमको हमारा सेकंड वो भी नहीं मिला है बैज भाई साहब। ओके ओके एक और लेट्स गो, माचॉप माचॉप ही है मेरे से लिख के ले लो ये भाई, ये पूरी केव माच। ओ रायहॉन वी आर बैगिंग दिस वन एज वेल, हम इसको भी पकड़ रहे बस। तो हमको चाहिए लाइक, मैं पोकेमॉन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई पोकेमॉन पकड़ना है तो वाटर टेल को निकालूंगा मैं बाहर, क्योंकि इसका टैकल इनको इतना बुरा हर्ट नहीं कर सकता जितना कि कोई भी दूसरे पोकेमोन का एलिमेंट टाइप कर सकता है। लाइक स्टील पे अगर तुम फायर मारोगे तो सीधे और चपटा दिया भाई ने। ओके टैकल प्लीज, फेंट नहीं होना है, फेंट नहीं होना है। ओह कोई कुछ हो ही नहीं रहा उसको, फेंट तो बहुत दूर की बात है। अटैक गिरा दिया इसने, अपनी डिफेंस गिरा दिया। ओके हम लोग टैकल करते जाएंगे जब तक इसका एचपी इतना इतना नहीं बचेगा, उसके बाद इसको बैक कर लेंगे। इट इज फनी टू मी डूड। ओके हम अपना खुद का रायहॉन पकड़ने जा रहे हैं गाइस, लेट्स गो। बैग पोके बॉल, नॉर्मल पोके बॉल से ही पकड़ सकते हैं क्या, देखेंगे। ग्रेट बॉल यूज़ कर रहा हूँ मैं भाई, पहली बारी में यूज़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना।
यार हट यार, कोई बात नहीं, आगे फिर मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रायहन हुआ तो इस बार तो लपक लूंगा मैं इसको। नहीं, सॉल रॉक। इसके पर फायर टाइप ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो हम लोग फायर टाइप ही मारते हैं, इसका एचपी कम करते हैं, इसको भी लपकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ ना, अब से सारे पोकेमोन पकड़ लेंगे सारे, क्योंकि हमको बाद में वो चीज़ करनी है। देखोगे अगर ध्यान दोगे तो, ओह इसके पास साई बीम है, इसका मतलब ये इसको इसको नहीं यार, लेकिन पता चला कुछ गलत हो गया ना, पोकेमोन चेंज करो। मैं गलती से दबा दिया यार भाई, जल्दी बाजी कितनी गंदी करता हूँ मैं, कितनी गंदी जल्दी बाजी मेरी। सी यार भाई, मेरी जल्दीबाजी के तो किससे चलेंगे पता तुमको पोकेमोन वर्ल्ड में। ओके ये कहाँ गए हम लोग? ओह ये कौन है? व्हाट्स दिस? वेल वेल, व्हाट डू वी हैव हियर? अ नॉइजी लिटिल ट्रेनर हैज कम पोकिंग अराउंड। लिसन अप, वी आर द फैशनेबल टीम हुज वेरी नेम मेक्स पीपल ट्रेम्बल इन फियर। टीम प्लेयर, प्लेयर्स गोल इज टू मेक इट सो वी आर द ओनली वंस हु आर हैप्पी। यू आर अबाउट टू क्राई मैन, वाई डोंट यू नो नॉट टू प्लेयर विथ फायर? यस नानी, I feel like a broken record. You're on the way. Getting my fancy suit that is in stylish yesterday. Elaborate get dishonored. Ooh, तो मतलब जैसे टीम रॉकेट थी वैसी ये टीम फ्लेयर है। ओके हॉन्डर डार्क टाइप पोकेमॉन, यू आर अबाउट टू गेट लेड मैन। फाइट, ये मिस्टिकल फायर यूज करके देखते हैं कैसा है। ओ भाई ये तो लग रहा है हॉगवर्ट्स से आइए सीधा। जू बैट निकालेगा। मैं क्या मतलब वॉटर लिली का लेवल अप करें क्या, या फिर जू बैट निकाले पिकाचू को निकालते? चलो हम भी तो जुबैट भेजेगा, अपन पिकाचू भेजेगा। भेगाएगा इससे हम बहुत कम खेलते हैं अगर तुम ध्यान दोगे पिकाचू से यार। थंडरबोल्ट पिकाचू निकल पहली फुर्सत में निकल। ओके देखते बॉस ये क्या बोलेगा, अभी इसका क्या रिप्लाई आएगा। टीम प्लेयर जी जी, यू मे हैव बीटन मी बट वेन आई लूज आई गो आउट इन स्टाइल। जी जी मैन, मेरे को ऐसा लग रहा है इनकी पूरी टीम जो है वो स्टाइलिश वाली है। लाइक व्हाट्स दिस, यू आर प्रिटी टफ पोकेमॉन ट्रेनर फॉर अ किड, बट वॉच योर सेल्फ, आई एम नॉट द ओनली मेंबर ऑफ टीम प्लेयर। पोकेबॉल एस्केप रो, नाइस, भाग जाएंगे यहाँ से हम, लेकिन भागने का फायदा नहीं है अभी, समझ रहे हो तुम लोग? ये क्या हुआ? ये लड़की भाई, ये लड़की, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। डिड यू फाइंड हिम? यस आई डिड। हेलो, हियर टू लुक फॉर फॉसिल्स एज वेल, आर यू ओके? डिड टीम प्लेयर कम हियर? टीम प्लेयर, व्हाट्स दैट पोकेमॉन? डोंट वरी अबाउट इट, इट लुक्स लाइक ही वॉज कम्प्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन लुकिंग फॉर फॉसिल्स। यू टू आर वेरी लकी, आई जस्ट नाउ फाउंड टू फॉसिल्स, देयर बोथ वंस आई ऑलरेडी हैव, सो आई विल गिव वन ईच। ओ भाई, जॉ फॉसिल या फिर सेल फॉसिल? ओके दिस इज हार्ड डूड। जॉ फॉसिल, सेल फॉसिल, लाइक सेल से कुछ अगर पानी हो सा बेहतर मिले तो, लेकिन अगर जॉ फॉसिल से वो लोग एरोडैक्टाइल दे रहे होंगे जिसको मैं फ्लाई सिखा सकूँ और हम लोग उड़ सके साथ में, तो मज़ा आएगा। जॉ फॉसिल, सेल फॉसिल, जॉ फॉसिल।
यार च्यू अप एनी थिंग यार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जॉ फॉसिल को यार जमीन में चलने वाला ना दे दें यार, सेल फॉसिल। लाइक मेरे पास वाटर टाइप पोकेमोन है पहले से यार, चेंज कलर ऑफ रंबो। अरे यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं जॉय ले छोड़े यार, नहीं ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते। भगवान ने चाह तो भाई एरोडेक्टाइल मिलेगा, नहीं तो कोई अच्छा पोकेमॉन मिल जाएगा। आई लिव स्टूडियो इनटू पोकेमॉन एट फॉसिल लैब, होप टू सी यू देयर। ओके तो हम लोग यहाँ से सीधा निकल सकते हैं मे बी। ओके गाइस तो हम लोग आ चुके हैं वापस और अब हम जाएंगे सीधा फॉसिल और देखते हैं बॉयज क्या हमने सही फॉसिल चुना था, जॉ फॉसिल या फिर नहीं। मेरे को ये चीज़ का डर लग रहा है, वैसे इस चच्चू से बात कर लेते हैं। ओह एरोडेक्टाइल, सॉरी मतलब उसने मेरे को एरोडेक्टाइलाइट दिया है। आई हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन दैट वी आल्सो फाउंड दैट इन बिगिनिंग। बाय द वे डिड यू नो दैट द पोकेमॉन एरोडेक्टाइल कैन बी रिस्टोर्ड फ्रॉम ओल्ड एम्बर, समटाइम्स यू कैन फाइंड ओल्ड एम्बर व्हेन यू ब्रेक अ रॉक विद रॉक स्मैश। ओ इसका मतलब मुझे रॉक स्मैश सीखना ही होगा। यू हैव अ फॉसिल डोंट यू, शैल आई रिस्टोर? यस जो रिस्टोर किया पोकेमॉन कौन सा मिलेगा बॉस, प्लीज एरोडेक्टाइल। टायरेंट, ओके तो टायरेंट भी लाइफ। ओ या बीच के लिए रास्ता था एक्वेरियम से होते हुए, मैं भूल गया था अभी। ओके तो बीच पे हमको मिली थी एक चाची जिसने बोला था कि अभी यहाँ मत आओ क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, तो एक बार देखते हैं क्या पता उसने ढूंढ लिया और हमको जाने दे। नहीं अभी भी नहीं जाने दे रही है। With this I can find items I can't. Okay. Using the drowsing machine is easy. If you are close to a buried item, the drowsing rod react and their movement leads you to it. You'll find treasure when the rod across the red line. Okay, तो ये जाने दे रही है अब, nice one. ओके तो गाइज भाई इतने सारे लोगों से फाइट ले लेके मैं यहाँ तक पहुँचा सिलिच सिटी तक। ओके अब मेरे को इसका जिम लीडर को हराना है कैसे भी, ठीक है बोलो। यू विल फाइंड द जिम लीडर इन दिस सिटी एट द टॉप ऑफ दैट, आई मे हैव लॉस्ट टू हिम इन अ बाइसिकल रेस बट आई विल गेट माय रिवेंज इन अ पोकेमॉन लेटर। ओके तो हाउ डू आई गेट अ बाइसिकल, स्टोर है घर है किसी का, घर है भाई ये किसी के भी घर में घुस जाते हैं भाई हम। अच्छा मेरे को लगा था ये खाली। ओके कोई आया। ओ डियर इफ यू आर हियर फॉर द बाइसिकल रेस आई एम अफ्रेड यू आर टू लेट, द रेस इज ओवर, आई टुक फर्स्ट, आई फील बैड दैट यू मिस्ड इट, हियर अलाउ मी टू गिव यू दिस स्ट्रेंथ एचएम। I'll be waiting for you in the gym. Come challenge me at your leisure. Oh भाई साहब मतलब यही है जिम लीडर, इसके पीछे पीछे चलो बॉस। ये रहा गाइस जिम। ओ भाई कितना बढ़िया जिम है इसका, कोवर्ड भाई कोवर्ड। चचा से बात करते हैं यार, ये चचा तो हर जगह दिखते हैं। हियर इट्स द फ्यूचर चैम्प, व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस इज रॉक टाइप पोकेमॉन जिम बट यू ऑलरेडी फिगर दैट आउट, एम आई राइट? रॉक टाइप्स आर ग्रेट आर एंड दे वीक टू स्टील वाटर एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। ये हमें हमेशा सही चीज़ बताता है भाई, मतलब ये हमको ज्ञान दे देता है भाई, तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं तुमको पता है, वाटर पोकेमॉन को सबसे आगे और हॉनेज को, लाइक हॉनेज को सेकेंड में रख के फिर फायदा नहीं है, वो तो हॉनेज हम लोग चेंज कर लेंगे, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ओके ओ भाई जस्ट हियर द साउंड इफेक्ट्स मैन, भाई 2012 का 13 का गेम है ये, पता है तुमको, आवाजें सुन लो एक बार। ओके तो गाइज मेरे ख्याल से आज के एपिसोड के लिए इतना ही बहुत है और कल को हम लोग शुरू करेंगे अपना बैटल अगेंस्ट दिस सिलिच सिटी का पोकेमॉन जिम जो कि है रॉक टाइप ट्रेनर, लाइक
जिम लीडर का मेरे को नाम याद नहीं है, बट लेट्स गो। ओके, तो हम लोग बिल्कुल तैयार है भाई, हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमको पता है। तो आज के एपिसोड में जैसे कि तुम लोगों ने देखा भाई, हमारा पहली बार कोई पोकेमॉन फुल्ली इवॉल्व हो चुका है, डेलफॉक्स मिल चुका है हमको, और हमने पकड़े काफ़ी अच्छे अच्छे पोकेमॉन मैचअप ये सब पकड़े। हमको एक फॉसिल पोकेमॉन भी मिला है, ठीक है, जो रॉक और ड्रैगन टाइप है, अपना टायरेंट। तो मैं क्या सोच रहा था कि ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली अगले एपिसोड में हम लोगों को देखने को मिलेगा एक ब्लास्टॉइज, और ब्लास्टॉइज को पकड़ाएंगे हम लोग क्या, ब्लास्टॉइज साइनाइट, और उसको देंगे मेगा एवोल्यूशन। तो हम अगले एपिसोड में आई एम 99.99% श्योर कि हम लोग एक मेगा एवोल्यूशन देखने वाले हैं। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड, मजा आया। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।